कश्मीर में हम कोशिश कर रहे हैं कि जो है लोगों मध्य प्रदेश के लोगों में ये एहसास हम दिलाना चाहते हैं कि कश्मीर सेफ है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जो लोग तो आना चाहते हैं, सारे देशवासी आना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में ये शंका है कि वहाँ पे सेफ है। तो उसी परसेप्शन को हम दूर करने के लिए हमने बोला कि हम डायरेक्टली आप यहाँ आएँ, आपसे बात करें और आपके जो भी सवाल हैं उनको जो है उनको हम जवाब दें, ताकि आप लोगों पर ये हम क्लियर कर पाए कि कश्मीर इज़ सेफ। तो वहाँ पर जो है ऑलरेडी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा काम किया है, हमने गोल्फ कोर्सेज बनाए हैं, हमारी डेस्टिनेशंस गुलमर्ग पहलगाम के अलावा जो है अपकमिंग डेस्टिनेशंस जो है वेरीनाग, मानसबल, डकसुम, कुकरनाग, तो बड़ा कुछ देखने के लिए है। लेकिन खाली एक चीज़ है देशवासियों को करना है, वहाँ पे वो जो हिचकिचाहट है उसको जो है उससे दूर रहने की ज़रूरत है, और वहाँ पे जो है लोगों को आने की ज़रूरत है, और ख़ुद देखेंगे वो कि कश्मीर कितना सेफ है। देखिए, गुलमर्ग के गंडोला की कमाई घटी इसलिए क्योंकि हमारे वहाँ पे सैलाब की वजह से जो है टूरिस्ट ट्रैफिक कम रहा, और वहाँ पे सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में टूरिस्ट कम आया। अब उसके बाद जब सैलाब से हम निकल गए, हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से ठीक किया, इस टाइम जो है गुलमर्ग में आपको ये जान के हैरत होगी, गंडोला के अलावा वहाँ पर हेलीकॉप्टर से हो रही है। हेलीकॉप्टर से लोग जो है यूरोपियंस वहाँ पे आते हैं, वो पहाड़ों पे जाते हैं और वहाँ पे स्कीइंग करते हैं। वहाँ पे न सिर्फ गंडोला चल रहा है, हिली स्कीइंग चल रही है, और जो हमारा हिली स्कीइंग है उसमें अप्रैल तक की बुकिंग है। तो रिस्पांस हमारा जो है हिली स्कीइंग का आज तक इतना ज़बरदस्त नहीं था जितना इस साल आया। और गंडोला जो है वो एक यूनिक थिंग है, इट टेक्स अ स्कीयर टू द ऑल्टीट्यूड 3,850 मीटर, तो वी हैव द वर्ल्ड्स हाईएस्ट गंडोला, दुनिया का सबसे ऊंचा गंडोला हमारे पास है, और वहाँ पे जो है आप पूरे साल बर्फ़ देख सकते हैं। कश्मीर का गंडोला जो है गुलमर्ग गंडोला, वो जब भी टूरिस्ट चाहेगा, जिस मौसम में चाहेगा, वो बर्फ़ देख सकता है। आज तक तो कभी असर नहीं पड़ा, तो आप जब हालात भी ठीक हुए तो असर कोई नहीं पड़ेगा। वहाँ पे जो है यात्री साल हर साल से आते हैं और आते रहेंगे, ये एक पवित्र जगह है, और पवित्र जगह के दर्शन करने के लिए जो है यात्री आते रहेंगे। हमने हमेशा उनका इस्तकबाल किया और इस्तकबाल करते रहेंगे, कभी किसी के बोलने से यात्रा में आज तक कोई विघ्न पड़ा नहीं और न पड़ेगा। 3 इडियट्स में पैंगोंग की वजह से पैंगोंग में फुटफॉल बढ़ा, लेकिन हमारे भी जो है कश्मीर में बड़ी फिल्में बनी पिछले कई सालों में, चाहे वो पिछले साल में बजरंगी भाईजान हो, या फितूर है, या जो है उसके अलावा हैदर बनी, तो बड़ी बॉलीवुड की फिल्में बनी। और एक अच्छी बात ये रही कि जो भी फिल्म कश्मीर में शूट हुई सुपरहिट हुई, तो उससे जो है हमारा बॉलीवुड और कश्मीर का कनेक्शन फिर से रीएस्टैब्लिश हो गया। अब जो है 70s का एरा फिर से वापस इसलिए आ रहा है कि जो भी फिल्म बन रही है वो रोमांटिक फिल्म बन रही है, अब वो नहीं है कि जिसमें आप जो है गोली, बम, धमाका, बाकी चीज़ें दिखा। तो आज का जो है पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि रोमांटिक फिल्में फिर से कश्मीर में फिल्माई जा रही है। कश्मीर जो है इट इज़ कॉल्ड एज पैराडाइज ऑन अर्थ। अब आप बोलेंगे क्यों, हमारी जो डेस्टिनेशन है 3rd century BC, 3rd century BC में वहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, कंसका ने बुद्धिस्ट काउंसिल की, 2000 साल के बाद माइस टूरिज्म का डेफिनेशन इन्वेंट हुआ। 15th century में जब मुगल एम्परर्स वहाँ आए, दे कॉल्ड इट पैराडाइज ऑन अर्थ। 500 साल के बाद टूरिज्म स्लोगन कॉइन हुआ। हमारा जो टूरिज्म है वो हज़ारों साल पीछे जाता है, इट इज़ नॉट न्यू। टूरिज्म हमको विरसे में मिला है, इट हैज़ कम टू अस नेचुरली, वी आर द ओल्डेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन। तो हमारा जो है लोगों का टूरिज्म के साथ वाबस्तगी है, दे हैव इमोशनल कनेक्शन विद टूरिज्म,
उनका जो रोजगार है वो टूरिज्म के साथ जुड़ा है। हम वहाँ पे टूरिज्म के अलावा इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते, हम अपने जंगल नहीं काट सकते, हम अपने जो है नदी नाले खराब नहीं कर सकते, हम हैवी इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। वहाँ पे जो है एक ही डेवलपमेंट का साधन है, या तो हैंडीक्राफ्ट हॉर्टिकल्चर है और टूरिज्म है। दीज आर द थ्री एक्टिविटीज विच आर इको फ्रेंडली एक्टिविटीज, और उससे जो है वहाँ का जो वातावरण टूरिज्म से खराब नहीं होगा, टूरिज्म से जो है वहाँ पे इनकम में ऑगमेंटेशन होता है, उस वजह से जो है हम फोकस करते हैं टूरिज्म। डेफिनेटली खराब पड़ा है, लेकिन इट्स अ हिस्ट्री नाउ। हमारे हालात जो है थैंकफुली वी हैव कम आउट ऑफ दैट फेज। 90s की दहाई जो है हमारे लिए ख़राब रही, ऐसा है कि उस हमारा जो है स्वर्ग था उसको किसी की नज़र लगी तो वहाँ पे अनफॉर्चुनेट सदी डेढ़ सदी वहाँ ये जो सॉरी डेकेड 10-15 साल हालात ख़राब रहे। थैंकफुली वी आर आउट ऑफ इट नाउ।